खबरें विस्तार से। साकी शिशु रंजन स्कूल और जीवन उदय फाउंडेशन के माध्यम से लगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर शहर के सरकारी और निजी चिकित्सकों द्वारा दी गई निशुल्क सेवा है। साकी शिशु रंजन स्कूल में स्कूल और जीवन उदय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से नेत्र परीक्षण शिविर को शामिल किया गया। परीक्षण के बाद आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन भी निशुल्क कराए जाएंगे। करीब 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य शिविर के लिए किए गए हैं। समाज सेवी अतुल शाह ने बताया कि जैन कॉलेज से रिटायर्ड हुए प्रोफेसर ने इस फाउंडेशन का गठन किया है। समाज सेवा के उद्देश्य से उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में महती भूमिका निभाई। साथ ही साथ 10 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपते हुए जिले के दूरस्थ और ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं में मदद करेंगे। चार तारीख को भी लगेगी तुम्हारी ड्यूटी मंडी वही तो ना रहेंगे हम तो सर वो वालों इलेक्शन तो मच चुका हो रहा है। क्या क्या इलाज चल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे नेत्र शिविर है विशेष तौर पे, और लगभग सारी फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं जिसमें ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, ये सारे लोग हैं और काफ़ी भारी मात्रा में पेशेंट्स आए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। और निःशुल्क ब्लड प्रेशर, शुगर की टेस्ट भी हो रहे हैं यहाँ पर। आज साकेत शिशु रंजन जो शहर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पर साकेत शिशु रंजन एवं जीवन उदय फाउंडेशन द्वारा एक विशाल कैंप का आयोजन किया है। इसमें नेत्र रोग सदगुरु सेवा संघ के द्वारा नेत्र परीक्षण किया जा रहा है, जिनके कैटरेक ऑपरेशन होंगे उनके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे, एवं डॉक्टर विनय पांडे जी, डॉक्टर सचिन गर्ग, डॉक्टर कुशाग्र दीक्षित, डॉक्टर अनुभा दीक्षित, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर आकाश जैन, डॉक्टर छवि जैन एवं डॉक्टर निर्मला तिवारी एवं डॉक्टर अशोक राजपूत द्वारा मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ लायंस क्लब प्रकाश द्वारा अपने डायबिटीज़ और बीपी की भी जांच की जा रही है। इस अवसर पर हमारे विदिशा के ही एमबी शर्मा का जो जीवन उदय फाउंडेशन द्वारा 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर CMHO कार्यालय को दिए, जो दूर दराज अंचलों में PSC सेंटर के माध्यम से परपीड़ा के उनकी सहयोगी बनेंगे।